ओम शांति। आज तारीख है 25 जनवरी 2021। अभी सुनेंगे प्यारे परम पिता परमात्मा शिव बाबा की विस्तार से मुरली। मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो, इसलिए उनकी श्रीमत का शास्त्र है सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता। प्रश्न, सत्युग में हर चीज़ें अच्छे से अच्छी सत्व प्रदान होती है, क्यों? उत्तर, क्योंकि वह मनुष्य सत्व प्रधान है। जब मनुष्य अच्छे है तो सामग्री भी अच्छी है, और मनुष्य बुरे है तो सामग्री भी नुकसानकारक है। सत्व प्रधान सृष्टि में कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं है, कुछ भी कहीं से मांगना नहीं पड़ता। ओम शांति। बाबा इस शरीर द्वारा समझाते हैं, इनको जीव कहा जाता है। इनमें आत्मा भी है, और तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा भी इनमें है। यह तो पहले पहले पक्का होना चाहिए, इसको इसलिए इनको दादा भी कहते हैं। यह तो बच्चों को नीचे है, इस नीचे में ही रमन करना है। बरोबर बाबा ने जिसमें पधारमणि की है, वह अवतार लिया है, उनके लिए बाप खुद कहते हैं, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। बच्चों को समझाया गया है कि यह सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता का ज्ञान श्रीमद् अर्थात श्रेष्ठ मत, श्रेष्ठते श्रेष्ठ मत है, उच्चते उच्च भगवान की, जिसकी श्रीमत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। तुम भ्रष्ट मनुष्य से श्रेष्ठ देवता बनते हो। तुम आते ही इसलिए हो। बाप ही खुद कहते हैं, मैं आता हूँ तुमको श्रेष्ठाचारी निर्विकारी मत वाले देवी देवता बनाने, मनुष्य से देवी देवता बनाने। मनुष्य से देवता बनाने का अर्थ भी समझना है, विकारी मनुष्य से निर्विकारी देवता बनाने आते हैं। सत्युग में मनुष्य रहते हैं परंतु दैवी गुण वाले, अभी कलयुग में है आसुरी गुण वाले। सारी मनुष्य सृष्टि परंतु वह है ईश्वरीय बुद्धि, यह है आसुरी बुद्धि। वह ज्ञान, यह भक्ति। ज्ञान और भक्ति अलग अलग है। भक्ति की पुस्तक कितनी और ज्ञान की पुस्तक कितनी है। ज्ञान का सागर बाप, उनका पुस्तक भी तो एक ही होना चाहिए ना। जो भी मनुष्य जो भी धर्म स्थापक करते हैं, उनका पुस्तक एक होना चाहिए। उनको रिलीजियस बुक कहा जाता है। पहला रिलीजियस बुक है गीता, श्रीमद् भगवद गीता। यह भी बच्चे जानते हैं। पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म है, न कि हिंदू धर्म। मनुष्य समझते गीता से हिंदू धर्म स्थापन हुआ, और गीता गाई है कृष्ण ने। कोई इसे पूछो तो कहेंगे परंपरा से यह कृष्ण ने गाई है। कोई शास्त्र शास्त्र में शिव भगवानुवाच है ही नहीं, श्रीमद् कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है। जो गीता पढ़े होंगे उनको सहज समझ में आएगा। अभी तुम समझते हो इसे गीता ज्ञान से मनुष्य से देवता बने हो। जो अभी बाप तुमको दे रहे, राजयोग सिखा रहे, पवित्रता भी सिखा रहे हैं, काम महाशत्रु है, इस द्वारा ही तुमने हार खाई है। अब फिर उन पर जीत पाने से तुम जगत जीत अर्थात विश्व का मालिक बन जाते हो। यह तो बहुत सहज है। बेहद का बाप बैठ इनके द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। वह है सभी आत्माओं का बाप। यह फिर है बेहद का बाप, मनुष्यों का नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा। तो कोई से भी पूछेंगे ब्रह्मा के बाप का नाम बताओ, तो मुंज पड़ेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर है क्रिएशन। इन तीनों का कोई तो बाप होगा ना। तुम दिखाते हो इन तीनों का बाप है निराकार शिव। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्मतन में देवताएं दिखलाते हैं, उनके ऊपर है शिव। बच्चे जानते हैं, शिव बाबा के बच्चे जो भी आत्माएं हैं उनको अपना शरीर तो होगा, वह सदैव निराकार परम पिता परमात्मा है। बच्चों को मालूम हुआ है निराकार परम पिता परमात्मा के हम बच्चे हैं। आत्मा शरीर द्वारा बोलती है। परम पिता परमात्मा कितनी सहज बातें हैं। इसको कहा जाता है अलप बे। पढ़ाते हैं, पढ़ाते कौन है? गीता का ज्ञान किसने सुनाया? निराकार बाप ने। उन पर कोई ताज आदि है नहीं, वह ज्ञान का सागर बीजरूप चैतन्य है। तुम भी चैतन्य आत्माएं हो ना। सभी झाड़ों के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। भल माली नहीं हो परंतु समझ सकते हो। कैसे बीज डालते हैं, उनसे झाड़ निकलते हैं। वह तो है जड़ झाड़, यह चैतन्य। तुम्हारी आत्मा में ज्ञान है, और कोई की आत्मा में ज्ञान होता नहीं है। बाप चैतन्य मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तो झाड़ भी मनुष्यों का होगा ना।
यह है चैतन्य क्रिएशन। बीज और क्रिएशन में फर्क तो है, बीज और क्रिएशन में फर्क तो है ना। आम का बीज डालने से आम निकलता है, फिर झाड़ कितना बड़ा होता है। वैसे मनुष्य के बीज से मनुष्य कितने फर्टाइल होते हैं। जड़ बीज में कोई ज्ञान नहीं है, यह तो है चैतन्य बीज रूप में। उनमें सारे सृष्टि रूपी झाड़ का ज्ञान है कि कैसे उत्पत्ति पालना फिर विनाश होता है। यह बहुत बड़ा झाड़ खलाश हो फिर दूसरा नया झाड़ कैसे खड़ा होता है, यह है गुप्त। तुमको ज्ञान भी गुप्त मिलता है, बाप भी गुप्त आए हैं। तुम जानते हो यह कलम लग रहा है, अभी तो सब पतित बन गए हैं। अच्छा, बीज से पहले पहले नंबर में जो पता निकलता है वो कौन था? सतयुग का पहला पत्ता तो कृष्ण को ही कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को नहीं। नया पत्ता तो छोटा होता है, पीछे बड़ा होता है। तो इस बीज की कितनी महिमा है, यह तो चैतन्य है ना। फिर पत्ते भी निकलते हैं, उनों की महिमा तो होती है। अभी तुम देवी देवता बन रहे हो, देवी गुण धारण कर रहे हो। मूल बात ही यह है कि हमको देवी गुण धारण करने हैं, इन जैसा बनना है। चित्र भी है, ये चित्र न होते तो बुद्धि में ज्ञान ही नहीं होता। ये चित्र बहुत काम में आते हैं। भक्ति मार्ग भी इन चित्रों की भी पूजा होती है, और ज्ञान मार्ग भी इन चित्रों से तुमको ज्ञान मिलता है कि ऐसा बनना है। भक्ति मार्ग में ऐसे नहीं समझते कि हमको ऐसा बनना है। भक्ति मार्ग में मंदिर कितने बनते हैं, सबसे जास्ती मंदिर किसके होंगे? जरूर शिव बाबा के होंगे जो बीज रूप है। फिर उसके बाद पहली क्रिएशन के मंदिर होंगे। पहली क्रिएशन ये लक्ष्मी नारायण है, शिव के बाद इनकी पूजा सबसे जास्ती होती है। माताएं तो ज्ञान देती है, उनकी पूजा नहीं होती है, वह तो पढ़ाती है ना। बाप तुमको पढ़ाते हैं, तुम किसकी पूजा नहीं करते हो? पढ़ाने वाले भी अभी पूजा नहीं कर सकते। तुम जब पढ़कर फिर अनपढ़ बनेंगे तब फिर पूजा होगी। तुम सो देवी देवता बनते हो, तुम ही जानते हो जो हमको ऐसा बनाते हैं। उनकी पूजा होगी, फिर हमारी पूजा होगी नंबर वार। फिर गिरते गिरते पांच तत्वों की भी पूजा करने लग पड़ते हैं। शरीर पांच तत्वों का है ना, पांच तत्वों की पूजा करो या शरीर की करो, एक ही हो जाती है। यह तो ज्ञान बुद्धि में है। यह लक्ष्मी नारायण सारे विश्व के मालिक थे। इन देवी देवताओं का राज्य नई सृष्टि पर था, परंतु वह कब था ये नहीं जानते। लाखों वर्ष कह देते हैं, अब लाखों वर्ष की बात तो नहीं, अब लाखों वर्ष की बात तो कभी किसकी बुद्धि में रह न सके। अभी तुमको स्मृति है, हम आज से 5000 वर्ष पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। देवी देवता धर्म वाले फिर और धर्म में कन्वर्ट हुए हैं। हिंदू धर्म कह नहीं सकते, परंतु पतित होने के कारण अपने को देवी देवता कहना शोभता ही नहीं है। अपवित्र को देवी देवता कह न सके। मनुष्य पवित्र देवियों की पूजा करते हैं तो जरूर खुद अपवित्र है, इसलिए पवित्र के आगे माथा झुकाना पड़ता है। भारत में खास कन्याओं को नमन करते हैं, कुमारों को नमन नहीं करते हैं, फीमेल को नमन करते हैं। मेल को नमन क्यों नहीं करते? क्योंकि इस समय ज्ञान भी पहले माताओं को मिलता है, बाप भी इनमें प्रवेश करते हैं। यह भी समझते हो बरोबर, यह ज्ञान की बड़ी नदी है। ज्ञान नदी भी है, फिर पुरुष भी है। यह सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है, सबसे बड़ी, जो कलकत्ता तरफ सागर में जाकर मिलती है। मेला भी वहाँ लगता है, परंतु उनको यह पता नहीं कि यह आत्माओं और परमात्मा का मेला है। वह तो पानी की नदी है, जिस पर नाम ब्रह्मपुत्रा रखा है। उन्होंने तो ब्रह्मा ईश्वर को कहा हुआ है, इसलिए ब्रह्मपुत्र को बहुत पावन समझते हैं। बड़ी नदी तो है, तो पवित्र भी वह होगी। ब्रह्मपुत्र को बहुत पावन समझते, बड़ी नदी है तो पवित्र भी वह होगी। पतित पावन वास्तव में गंगा को नहीं ब्रह्मपुत्र को कहा जाए। मेला भी इनका लगता है, यह भी सागर और ब्रह्मा नदी का मेला है। ब्रह्मा द्वारा एडॉप्शन कैसे होती है, यह गुह्य बातें समझने की है जो प्राय लोप हो जाती है। यह तो बिल्कुल सहज बात है ना। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, फिर यह दुनिया ही खलाश हो जाएगी। शास्त्र आदि कुछ भी नहीं रहेंगे, फिर भक्ति मार्ग में यह शास्त्र होते हैं। ज्ञान मार्ग में शास्त्र होते नहीं है, मनुष्य समझते हैं यह शास्त्र परंपरा से चले आते हैं। ज्ञान तो कुछ है नहीं, कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी है, इसीलिए परंपरा कह देते हैं।
इनको कहा जाता है अज्ञान अंधियारा। अभी तुम बच्चों को यह बेहद की पढ़ाई मिलती है जिससे तुम आदि मध्य अंत का राज समझा सकते हो। तुमको इन देवी देवताओं की हिस्ट्री जागरूकी का पूरा पता है। यह पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले पूज्य थे, अभी पुजारी पतित बने हैं। सत्युग में है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, या कलयुग में अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है, फिर बाद में निवृत्ति मार्ग होता है, वह भी ड्रामा में है। उसको संन्यास धर्म कहा जाता है। घर बार का संन्यास कर जंगल में चले जाते हैं, वह है हद का संन्यास। रहते तो इसी पुरानी दुनिया में ही हैं। अभी तुम समझते हो हम संगम युग पर है, फिर नई दुनिया में जाएंगे। तुमको तिथि तारीख सेकंड सहित सब मालूम है। वह लोग तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष का देते हैं, इनका पूरा हिसाब किताब निकाल सकते हैं। लाखों वर्ष की तो बात कोई को याद भी न कर सके। अभी तुम समझते हो बाप क्या है, कैसे आते हैं, क्या कर्तव्य करते हैं। तुम सबके ऑक्यूपेशन को जन्मपत्री को जानते हो। बाकी झाड़ के पत्ते तो ढेर होते हैं, वह गिनती थोड़ी कर सकते हैं। इस बेहद की सृष्टि झाड़ के कितने पत्ते हैं, 5000 वर्ष में इतने करोड़ है, तो लाखों वर्ष में कितने अनगिनत मनुष्य हो जाए। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं लिखा हुआ है सत्युग में, सत्युग इतने वर्ष का है, त्रेता इतने वर्ष का है, द्वापर इतने वर्ष का है। तो बाप बेट तुम बच्चों को यह सब राज समझाते हैं। आम का बीज देखने से आम का झाड़ सामने आएगा ना, अभी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप तुम्हारे सामने है। तुमको बेट झाड़ का राज समझाते हैं, क्योंकि चैतन्य है, बताते हैं हमारा यह उल्टा झाड़ है। तुम समझा सकते हो, जो भी इस दुनिया में है वह जड़ व चैतन्य हूबहू रिपीट करेंगे। अभी कितना वृद्धि को पाते रहेंगे, सत्युग में इतना हो नहीं सकता। कहते हैं फलानी चीज़ ऑस्ट्रेलिया से जापान से आई, सत्युग में ऑस्ट्रेलिया जापान आदि थोड़ी थे, ड्रामा अनुसार वहाँ की चीज़ यह आती है। पहले अमेरिका से गेहूँ आदि आते थे, सत्युग में कहाँ से आएंगे, थोड़े ही वहाँ तो है ही एक धर्म, सब चीज़ें भरपूर रहती है। या धर्म वृद्धि को पाते रहते हैं तो उनके साथ सब चीज़ें कम होती जाती है। सत्युग में कहाँ से मंगाते नहीं है, अभी तो देखो कहाँ कहाँ से मंगाते हैं। मनुष्य पीछे वृद्धि को पाते गए, सत्युग में तो अप्राप्त कोई वस्तु होती नहीं है। वहाँ की हर चीज़ सत्वप्रधान बहुत अच्छी होती है, मनुष्य ही सत्वप्रधान है। मनुष्य अच्छे है तो सामग्री भी अच्छी है, मनुष्य बुरे है तो सामग्री भी नुकसानकारक है। साइंस की मुख्य चीज़ है एटॉमिक्स बॉम्ब्स, जिसने इतना सारा विनाश होता है। कैसे बनाते होंगे, बनाने वाली आत्मा में पहले से ड्रामानुसार ज्ञान होगा। जब समय आता है तब उनमें वह ज्ञान आता है, जिसमें सेंस होगी वही काम करेंगे और दूसरे को सिखाएंगे। कलप कलप जो पाठ बजाया वही बसता रहता है। अभी तुम कितने नॉलेजफुल बनते हो, इनसे जास्ती नॉलेज होती नहीं है। तुम इस नॉलेज से देवता बन जाते हो, इनसे ऊंच कोई नॉलेज है नहीं। वह है माया की नॉलेज जिससे विनाश होता है। वह लोग साइंटिस्ट मून में जाते हैं, खोजते हैं, तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है। यह सब माया का पॉम्प है, बहुत शो करते हैं, अति डिपनेश में जाते हैं, बहुत बुद्धि को लड़ाते हैं, कुछ कमाल कर दिखावे। बहुत कमाल करने से फिर नुकसान हो जाता है, क्या क्या बनाते रहते हैं। बनाने वाले जानते हैं इनसे यह विनाश होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, गुप्त ज्ञान का सिमरण कर हर्षित रहना है। देवताओं के चित्रों को सामने देखते उन्हें नमन वंदन करने के बजाय उन जैसा बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। दूसरी पॉइंट, सृष्टि के बुजरूप बाप और उनकी चैतन्य क्रिएशन को समझ नॉलेजफुल बनना है। इस नॉलेज से बढ़कर और कोई नॉलेज नहीं हो सकती, इसी नशे में रहना है। वरदान, जिम्मेवारी संभालते हुए आकारी और निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा साक्षात्कार मूर्त भवो। जैसे साकार रूप में इतनी बड़ी जिम्मेवारी होते हुए भी आकारी और निराकारी स्थिति का अनुभव कराते रहे, ऐसे फालो फादर करो। साकार रूप में फरिश्तेपन की अनुभूति कराओ। कोई कितना भी अशांत व बेचैन घबराया हुआ आपके सामने आए
लेकिन आपकी एक दुष्ट वृत्ति और स्मृति की शक्ति उनको बिल्कुल शांत कर दे। व्यक्त भाव में आए और अव्यक्त स्थिति का अनुभव करे, तब कहेंगे साक्षात्कार मूर्त। स्लोगन है, जो सच्चे रहमदिल है उन्हें देह व देह अभिमान की आकर्षण नहीं हो सकती। जो सच्चे रहमदिल है उन्हें देह व देह अभिमान की आकर्षण नहीं हो सकती। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू।